बीजेपी के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब कांग्रेस की बारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सोमवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले दिल्ली के साथ कुछ राज्यों के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। गठबंधन के तहत दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें मिली है, लेकिन पार्टी अभी तक अपने 3 उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन है। गठबंधन के बाद से कांग्रेस में मंथन का दौर भी जारी है। 3 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान भी अभी तक फैसला नहीं कर पाया है कि किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाए। सोमवार यानी कि 4 मार्च को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और इस बैठक में दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर क्यों उम्मीदवार को उतारा जाए, इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ नामों का भी फाइनलाइज किया जाएगा। कांग्रेस के पास उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट है, जहां पर पार्टी को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। लेकिन इन 3 ही सीटों पर कांग्रेस के अलग अलग नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली, इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि इसी पर पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी भी अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। वहीं बात करें चांदनी चौक सीट की, तो इसी पर पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही इस सीट पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष अलका लांबा भी चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रही है। इस पर ज्यादा वैश्य समाज के लोग भी अपनी जीत दर्ज करते रहे हैं। 2014 से इस सीट पर डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट कर बनिया समाज और व्यापारी वर्ग के नेता प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। बात अगर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट की करें, तो इस सीट पर कांग्रेस के कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद मौजूदा कांग्रेस लीडर उदित राज टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पूर्व सांसद कृष्णा तीर्थ, राजेश निलोठिया और शीला सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान भी दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस की सोमवार को होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है। बाकी आपकी वीडियो पर जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।